अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है हमेशा कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। ये देखें हमारी चेरी, ये देखें कैसे झूला झूल रही है, ये देखें इसके यही काम है, ये ऐसी करती है। इसके लिए हमने बनाई है कढ़ाई अलग से, इसको झूला झुलाने के लिए। ये हमारी खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए हमारी अलग है, ये नहीं है हमारी खाना बनाने वाली। ये हमने इसलिए रखी है कि ये इसमें झूला झूल रही है, ये झूला बहुत शौक़ से झूलती है, इसलिए हमने ये रखी है। और ये बोलती है मुझे घसीटो उसमें डालो के, और झूला झूलती है खूब, बहुत प्यारी है ये हमारी, इसका नाम चेरी है। अभी हमने सारे घर की सफाई कर ली है, और क्या कहते हैं अभी हमने थोड़ी सी किचन के साइड की सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, सारी सेटिंग हो रही है। ये देखें हमारे भाई ये मशीन लाए थे, तो ये मशीन यहाँ पे रखी हुई है, और ये हमने कुछ इस तरीके से सेटिंग की है। खिड़की के नीचे यहाँ पे मशीन आ गई है, यहाँ पे चीकू रख दिया है, यहाँ पे ये है, हमने अभी क्या कहते हैं ये रखा है सूटकेस। ये देखें कोई कपड़ा लाओ उसे झाड़ू में। हमने ये कमरे की जो है ना कालीन भी अभी उठा दी है, क्योंकि गर्मी दाने बहुत हो रहे थे, तो भाई ने बोला कि मेरे को फर्श पे सोना है, तो इसलिए हमने एक कमरे की कालीन उठा दी और पैक कर दिए ताकि इसमें कॉकरोच वगैरह ना घुसे। अभी हमने बिल्लियों को भी खाना वगैरह दे दिया, तो ये भी अभी आराम से बैठी है। ये हमने यहाँ पे रख दिए हैं डेज के, डेजकों का पूरा सेट है, और ये जो है ना बिल्लियों का लीडर रख दिया है यहाँ पे, और अभी इस पर चादर बिछा रहे हैं। ये मिर्चें भी अम्मी ने देखे सुखाने के लिए रखे हैं, सूखी हुई मिर्चें भी काम में आती हैं। अभी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, अभी हमने सेटिंग की पहले और फिर अब दोपहर का खाना खा रहे हैं, क्योंकि एक बज गया है। ये अम्मी को प्याज चाहिए थी साथ में खाने के लिए, तो प्याज भी एक काट ली छोटी सी, और ये खाना खा रहे हैं कढ़ी चावल। कल आपको दिखाए थे कि कढ़ी चावल बने हमारे यहाँ, और आगे जो भी होगा रूटीन का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी देखें आज हमारे यहाँ बन रहा है पालक गोश्त, तो मैंने अभी अभी बिल्कुल मसाला भुना है और इसमें पालक डाल दिए। कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज हमें लेट हो गया खाना पकाना, क्योंकि गैस भी देखें कम आ रही है, तो अभी मैंने कुकर में चढ़ाया ताकि ना जल्दी से इसमें भाप बने और ये गल जाए। पालक गोश्त बना रही हूँ, तो ये मैंने देखें अभी मसाला वगैरह बनाया ना सब फैला हुआ, और ये मैंने गोश्त धो लिया, अभी इसको दो तीन पानी से और धोना है, मैंने साफ़ कर लिया। अब बस पालक में गोश्त डालती हूँ मैं खंगाल के दो बार गोश्त दिखाऊंगा। अभी मैंने ये गोश्त खंगाल लिया, मैं दाल में जा रही हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ, इसको मैं इधर कर लेती हूँ, पकड़ा नहीं जाता ठीक है मुझसे। अभी मैं पहले इसको मिक्स कर लूँ फिर आपको दिखाऊंगी। अभी ये देखें मैंने मिक्स कर लिया, अब पालक में थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसे ढक्कन ढक देती हूँ। अभी ये मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर एक और चीज़ भी डाली है, कसूरी मेथी डाल दी है इसके अंदर ताकि खुशबू आ जाए। सूखी कसूरी मेथी थोड़ी सी इसके अंदर डाल दें। अभी मैं इसको धो के अच्छे से,
और फिर पालक में डालूँगी। और मैंने आपको बोला था कि अम्मी चीज़ें सुखा सुखा के रखती हैं, तो ये मेथी भी क्या कहते हैं ना, मैंने पहले धो ली थी फिर सुखा के और फिर कटिंग करके रखी है इसमें शॉप। मैंने धो ली है, अच्छे से छान ली इसकी मिट्टी सारी और ये मैं इसके अंदर डाल ली। बस ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब बस मैं इस पर ढक्कन बंद कर रही हूँ, इसका ये बंद भी नहीं होता है कुछ से। अब हुआ है, अब सीटी लगा देती हूँ मैं इसकी। ये लग गई कुकर की सीटी और देख लें क्योंकि आपके सामने गैस बहुत हल्की आ रही है, तो तभी मैंने कुकर में चढ़ा दिया, जल्दी से हो जाए। कुकर को चढ़ा के गई थी तो आँच नहीं आ रही थी और अब देखो आँच भी आ गई है। ये देखो तेज आँच आ रही है और हमारी सीटी भी हो गई है, हो रही है। इसकी आँच में थोड़ी हल्की कर रही हूँ और ये मैं दाल से भी खा रही थी कमरे में बेड के साथ साथ हैं, कि जब तक कि ये पकेगा हमारा सामान जब तक मैं ये दाल से खा लूँ। देखिए अभी मैं यहाँ की लाइट बंद कर देती अंदर चलते हैं, इसको देखेंगे खाना खा के यहाँ पर छोड़ दी। और अभी देखो साथ में हम लोग CID भी देख रहे हैं। अभी सालन को पकते हुए 15-20 मिनट हो गए तो मैं इसे खोलने जा रही हूँ। खोलने के बाद चेक करती हूँ ये गला है या नहीं, फिर उसके बाद अगर नहीं गला हुआ तो मैं दोबारा चढ़ा दूँगी। अभी मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया, तभी मैं ये चेक करती हूँ गला है गोश या नहीं। अभी मैंने ये दोनों बोटियाँ निकाल के चेक करी हैं लेकिन ना इन दोनों में से कोई सी भी नहीं गली, यानी कि अभी ये सालन हमारा तैयार नहीं हुआ क्योंकि गोश ही नहीं गला है। अच्छा। अभी मैं इसको दोबारा से चढ़ाऊँगी, अभी तो आँच भी बहुत तेज आ रही है देखें। अब बस जल्दी से 10 मिनट और चढ़ाऊँगी इसे ताकि ये अच्छे से पक जाए और फिर इसकी भुनाई भी करनी है। और अभी इधर जो है ना अभी रोटियाँ बनेंगी। अभी हमारा सालन तैयार हो गया, भुनाई कर ली है मैं सालन की, सालन रेडी है। और इस साइड पे भी रोटियाँ भी बन रही हैं, ये देखें आखिरी दो पेड़े रह गए हैं, ये बिल रहे हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खाएँगे। अभी ये मैंने बिल्लियों का चिकन निकाला है, जमा हुआ होता है तो इसमें रखा है मैंने ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, फिर मैं इसको धो के इसमें आलू डालूंगी और फिर इन दोनों को गलने के लिए चढ़ा दूँगी। जब तक बिल्लियों का खाना होगा फिर बिल्लियों को भी खाना दे देंगे और ये जो बर्तन गंदे बाकी होंगे वो हम धो लेंगे। और अभी मेरे ये है ना उंगली पे आपको दाना दिख रहा होगा, छोटा सा बारीक सा दाना है, ये हम दिखवाने गए थे हॉस्पिटल क्योंकि ना उंगली पूरी सूज रही है और दर्द भी इसमें बहुत हो रहा है, तो हम ये दिखवाने गए थे लेकिन डॉक्टर नहीं था, तो इस वजह से हमें फिर थोड़ी देर जहाँ हम पहले रहते थे ना हम उनके यहाँ बैठे थोड़ी देर और फिर वापसी आ गए। स्टोर वाले से ही दवाई ले ली थी और फिर वो अभी मैं रात को खा के सोऊंगी, फिर देखूंगी कल आराम आएगा। अभी हम बस खाना वाना खा लेंगे, ये रोटी आखिरी बन रही है, नमाज़ पढ़ के फिर सो जाएंगे। हमारा व्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइएगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करा करें, हमारी वीडियो को वॉच किया करें ज़्यादा से ज़्यादा।
नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।